रणबीर प्राची को बताएगा सालों से अपने ना लौटने की असली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पूर्वी आरवी के पास जाएगी और आरवी को कहेगी कि थैंक यू आरवी, तभी यह सुनकर आरवी कहेगा कि आजकल तुम ज्यादा तो थैंक यू नहीं बोल रही हो, हमेशा थैंक यू बोल रही हो, क्यों ऐसा? तभी यह सुनकर पूर्वी कहेगी कि सच बताऊं तो तुम हो ही इतने अच्छे, तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हो। तभी यह सुनकर आरवी कहेगा क्योंकि तुम इतनी अच्छी रही हो। जैसे सुनकर पूर्वी कुछ बोल नहीं पाई के यहाँ पर जब रणबीर प्राची के घर प्राची के पास आएगा और प्राची के घर का दरवाजा खटखटाएगा और प्राची दरवाजे को खोलेगी, तभी रणबीर प्राची के घर में जबरदस्ती घुस आएगा और दरवाजे को बंद कर देगा। यहाँ पर प्राची गुस्से से रणबीर को कहेगी कि क्या कर रहे हो तुम, दरवाजा खोलो वरना दो चार लोग पड़ोस के क्या कहेंगे। तभी यह सुनकर रणबीर कहेगा मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है प्राची। और रणबीर प्राची को दरवाजे के पास लाकर प्राची को कहेगा कि प्राची मुझसे बात करो, मेरी बात सुनो। तभी यह सुनकर प्राची कहेगी कि मुझे कोई बात नहीं करनी है। तभी रणबीर कहेगा कि प्लीज मेरे साथ एक बार बात कर लो और मेरी मजबूरी सुन लो, फिर तुम्हें जो करना है वो करना, वो आगे क्या करना है वो तुम्हारा डिसीजन होगा, मैं तो चला जाऊंगा। इसे सुनकर प्राची कुछ बोल नहीं पाएगी। यहाँ पर प्राची अपने घर का सामान सेट करने के लिए आगे जाएगी। तभी रणबीर प्राची के पास जाएगा और प्राची को कहेगा कि प्राची तुम मेरी बात को सुन क्यों नहीं रही हो। तभी प्राची कहेगी कि मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, ऐसे तो पहले भी तुम चले ही गए थे। यह सुनकर तभी रणबीर कहेगा तो फिर तुम जानोगे कैसे मेरे इतने साल तक वापस ना लौटने की वजह। यह सुनकर प्राची को काफी बड़ा झटका लगेगा और प्राची पलटकर रणबीर के सामने देखेगी और प्राची रणबीर को कहेगी कि कोई वजह थी जो तुम वापस लौटकर नहीं आए, बताओ मुझे ऐसी कौन सी बड़ी वजह थी जो तुम वापस लौटकर नहीं आए, जबकि तुम्हें अच्छे से पता था कि तुम्हारी एक बेटी भी मेरे साथ है, तो तुम अपने बेटे और बच्चे के लिए भी लौटकर नहीं आए। तभी यह सुनकर रणबीर कहेगा हाँ वो वजह ऐसी है जो जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारे प्राची होश उड़ जाएंगे। यह सुनकर तभी प्राची कुछ बोल नहीं पाएगी। यहाँ पर त्रिशा घर पे रणबीर के आने का इंतजार कर रही होगी और त्रिशा अपनी माँ से कहेगी कि केके का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया है, वो प्राची का नाम सुनकर बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे मानो कि प्राची के साथ उसका कोई पुराना रिश्ता हो, मुझे तो अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर तभी त्रिशा की माँ कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, केके का कामकाज की वजह से मूड खराब होगा इसलिए उनका बिहेवियर तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है। यह सुनकर त्रिशा कुछ बोल नहीं पाएगी। जहाँ पर घर पे प्राची रणबीर को कहेगी कि रणबीर तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तब मैंने यह 20-25 साल कैसे निकाले, और अब जाकर तुम 20-25 साल के बाद आ रहे हो और कह रहे हो कि कोई वजह थी। अरे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी वजह सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई भी अपने परिवार को अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाता, तो तुम कैसे चले गए? मुझे कोई तुम्हारी बड़ी वजह नहीं सुननी, क्योंकि कोई बड़ी वजह होती ही नहीं है, सिर्फ उसे नाम दे दिया जाता है कि ये बड़ी वजह थी। यह सुनकर तभी रणबीर को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्राची को ऐसे छोड़ जाने वाले रणबीर के साथ वापस एक होना चाहिए क्या नहीं, और आप रणबीर प्राची की जोड़ी को बनते हुए और रणबीर प्राची की जोड़ी को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।